शिट वो काम ले गाबर क्या है चलो आशा बस दवा वाला आइए कुछ नहीं कहा हेयर पिन बैंड आएगा वहाँ से लेफ्ट अशर की मर्द चलते मैं पर्च बन बेई क्या चीज़ ज़रूरत कानों में ही कानों को कानों बेई क्या चीज़ ज़रूरत कानों में ही कानों को कानों क्या वाला अच्छा प्रेशर उसना है यही है सर ये उसी आपने ला ली है मेरा नाम शहजादा नज़ीर है। ये बहुत अच्छा है जो ये आर्मी कैंप लगाया गया है, ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप अपने लिए हर चीज़ का ये लुत्फ उठा सकते हो, आप आ सकते हो। यहाँ पे टेस्ट वगैरह भी करते हैं, दवाई वगैरह सब फ्री मिल रहा है आपको। यहाँ पे जो डॉक्टर है बहुत अच्छे हैं और समझते भी हैं हमें कि कैसे हम इनको बोल सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, और ये दवाई वगैरह देते हैं हमें। तो हम इनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, इंडिया आर्मी कैंप का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि ये इन्होंने यहाँ पे कैंप खोला है और हमें ये फैसिलिटी मिल रही है, तो शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद रफीक वानी है। ये लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। लोगों को चाहिए कि इस चीज़ का पूरा लाभ उठाएं, लोगों की सहायता के लिए है। और सबसे बड़ी बात जो है, इंडियन आर्मी के पास जो भी चीज़ होती है सबकी सब ओरिजिनल होती है। और ये काफ़ी लोगों के इस बात बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, लोगों को काफ़ी इज्जत देते हैं, लोगों के साथ काफ़ी कोऑपरेट करते हैं। लेकिन यहाँ के लोग भी काफ़ी कोऑपरेट करते हैं और इंडियन आर्मी को बहुत पसंद करते हैं। आज यहाँ अशर में आर्मी की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से एक कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ आयुष ने भी पार्टिसिपेट किया। मैं डॉक्टर बशीर अहमद, आयुष डिपार्टमेंट ऑफ आयुष रामबन से। तो हमने भी यहाँ पे एक कैंप ऑर्गेनाइज़ किया, आयुष की दवाइयाँ हमने डिस्ट्रीब्यूट की, लोगों को अवेयर किया आयुष के बारे में, इनको बताया कि आयुष की मेडिसिन किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं, योगा सेशंस भी करवाए। और हमको उम्मीद है कि आइंदा फ्यूचर में भी वी विल गो ऑन ऑर्गेनाइजिंग दिस टाइप ऑफ कैंप्स इन फ्यूचर आल्सो। और जो हमारे डायरेक्टर हैं डॉक्टर मोहन सिंह सर, जो डायरेक्टर आयुष हैं, उनकी गाइडेंस पे हम ये कैंप, इस टाइप के कैंप ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। और हम थैंकफुल हैं मीडिया पर्सनस के जो हर वक्त हमारे इन कैंपों में आते हैं और हमारे इन कैंपों को कवर करते हैं। अच्छी शुरुआत है अशर में, आज तीसरा कैंप होने जा रहा है मेडिकल कैंप। ये मेडिकल इंडियन आर्मी की तरफ से ये ऑर्गेनाइज हो रहा है, इसलिए ये खुशी की बात है कि यहाँ लोगों को मायना होगा, मुफ्त होगा, दवाई भी मिलेगा और इसके जानकारी भी मिलेगी। आर्मी जो है बहुत अच्छा काम करती है, लोगों के लिए तालमेल बना रखती है आपस में। और यहाँ जो अशर में जो कैंप है, इनसे गरीबों से भी फ़ायदा होगा और हमारे सबके लिए फ़ायदा है। इंडियन आर्मी 12 RR रेजिमेंट की तरफ से ये अशर में आज तीसरा मेडिकल कैंप इस साल हो रहा है। इस कैंप में यहाँ पे आप देख रहे हो
अभी स्टार्ट ही हुआ, इनाग्रेशन हुई, लोग जोग दर जोग आ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे इन्होंने हर किसी किस्म का मेडिसिन रखा हुआ है अवेलेबल। डॉक्टर साहिबान यहाँ पे है अवेलेबल। यहाँ हमारे जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल है वहाँ से भी मैंने दो डॉक्टरों को यहाँ पे बुलाया है। ये कैंप जो है ये पूरा दिन चलेगा। आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी सारी मेडिसिन अवेलेबल है लोगों के फ़ायदे के लिए। तो लोग आ रहे हैं यहाँ पे और इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। और इसके साथ साथ मैंने अपने जो हमारी जो NCD सेल होती है उसके भी यहाँ पे मैंने तीन जो हमारे NCD स्क्रीनिंग करते हैं उनको यहाँ पे बुलाया। हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पे कितने हमारे जो पेशेंट्स हैं हाइपरटेंशन निकलेंगे, डायबिटिक निकलेंगे, वो भी हम यहाँ पे साथ साथ करेंगे। और इंडियन आर्मी की वसादत की वजह से जो ये कैंप हो रहा है इसमें हमें भी बेनिफिट हो जाएगा कि जितने भी डायबिटिक हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं उनको हम ट्रेस आउट करेंगे। और हम आज पूरा दिन ये भी देखेंगे कितने लोगों की यहाँ पे आबा आइडियाज़ बनी हैं, जिनकी नहीं बनी हुई है मैंने टीम लाई हुई है, हम इनकी आबा आइडियाज़ जनरेट करेंगे। हम देखेंगे कितनों के गोल्डन कार्ड बने हैं, जिन लोगों के गोल्डन कार्ड नहीं बने हैं तो उनका भी हम यहाँ पे स्क्रीनिंग करके उनका एड्रेस लेके पूरा उनके आधार कार्ड चेक करके उनके भी हम यहाँ पे ये गोल्डन कार्ड बनवाएंगे। तो ये जो ये कैंप यहाँ पे हो रहा है ये हर किसी लिहाज से बहुत ही बेनिफिट इन लोगों के लिए।